अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सब लोगों के। एक अरसे बाद जो है वो वीडियो बना रहा हूँ, काफ़ी टाइम बाद यानी कि वो इसलिए कि तबीयत भी कुछ नासाज थी और ये कि कुछ और भी काम थे जो कि हमें मुझे करने थे, उन कामों में मसरूफ था, तो इसलिए देर से वीडियो बनाने की यही वजह है। आज जो हम आपके लिए टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल। पहले हम ये देख लेते हैं कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल किस लिए हम यूज़ करते हैं। इट हैज़ ऑलरेडी बीन स्टेटेड दैट अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। हम ये पहले ही पढ़ चुके हैं कि अकाउंटिंग क्या है, एक लैंग्वेज है बिजनेस की, थ्रू विच इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन इज कम्युनिकेटेड टू ऑल द पार्टीज, जिसके जरिए हम कोई भी इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन जो है कम्युनिकेट करते हैं टू ऑल दी पार्टीज कंसर्न। उससे कंसर्न जो भी पार्टीज होती है, पार्टीज से मुराद मैनेजमेंट होती है या जो भी उस इंफॉर्मेशन के यूजर होते हैं। इन ऑर्डर टू मेक दिस लैंग्वेज इजीली अंडरस्टैंडेबल ऑल ओवर दी वर्ल्ड, यानी कि किस लिए हम इस्तेमाल करते हैं, इन ऑर्डर टू मेक दिस लैंग्वेज इजीली अंडरस्टैंडेबल, ताकि ये जो लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है इसको ईजिली समझा जा सके ऑल ओवर दी वर्ल्ड, यानी कि पूरी दुनिया में। इट इज़ नेसेसरी टू फ्रेम और मेक सर्टेन यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स, इसलिए ये ज़रूरी है कि हम कुछ जो है ख़ास उसके लिए यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स विच आर एक्सेप्टेबल यूनिवर्सिटी, यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स होते हैं जो कि एक्सेप्टेबली जो है वो यूनिवर्सिटी जो है वो एक्सेप्टेबल होते हैं। दीज स्टैंडर्ड्स आर टर्म्ड एज अकाउंटिंग प्रिंसिपल, और वो स्टैंडर्ड्स जो है कहलाते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल। वी प्रिपेयर ऑल आवर अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स अकाउंटिंग अकॉर्डिंग टू दीज प्रिंसिपल, हम अपनी जितनी भी अकाउंटिंग स्टेटमेंट वो प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं, इसी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंगली बनाते हैं। दे आर सर्विंग एज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ करंट प्रैक्टिस एंड एज अ गाइड फॉर सिलेक्शन ऑफ कन्वेंशंस, ये हमें सर्व करती हैं एज अ एक्सप्लेनेशन ऑफ करंट प्रैक्टिस, जो भी हम काम कर रहे होते हैं उसकी एक्सप्लेनेशन को के लिए, एंड एज अ गाइड फॉर सिलेक्शन ऑफ कन्वेंशन, और जो भी तरीक़ाकार होते हैं उसके को सेलेक्ट करने के लिए हमें गाइड करते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल और प्रोसीजर्स, और जो भी तरीक़ाकार होते हैं जो हमें जैसे मैंने बताया, वेयर ऑल्टरनेटिव एग्जिस्ट, इन दोनों में से जो भी एग्जिस्ट करते हो। दीज प्रिंसिपल्स कैन बी क्लासिफाइड इन टू टू ग्रुप्स, यानी कि ये प्रिंसिपल दो ग्रुप्स में जो है हम क्लासीफाई करते हैं। नंबर वन क्या है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या करते हैं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, वो पॉलिसीज और रूल्स जिनके तहत हम अपनी जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं, यानी कि अकाउंटिंग स्टेटमेंट या जितनी भी ट्रांजेक्शन होती हैं उसको हम प्रिपेयर करते हैं, हम वो पॉलिसीज और रूल्स जो है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कहलाते हैं जिसको हम फॉलो करते हैं। नंबर दो क्या है, अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या होते हैं, दोज प्रैक्टिसेस एंड गाइडलाइंस फॉलो यूनिवर्सली, इनके वो प्रैक्टिसेस एंड गाइडलाइंस जो कि फॉलो की जाती है यूनिवर्सली, वी यूज कन्वेंशंस टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंट अवर अकाउंटिंग अकाउंट स्टेटमेंट। अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या होते हैं, जिनके तहत हम अपने जो अकाउंट स्टेटमेंट होती है वो प्रिपेयर करते हैं और प्रेजेंट करते हैं। प्रिपेयर करना अलग चीज़ है और प्रेजेंट करना अलग चीज़ है। प्रिपेयर से मुराद ये होता है कि हम अकाउंटिंग की जितनी भी ट्रांजेक्शन है वो जो प्रिपेयर कर की जाती है वो ट्रांजेक्शन हम उसको कहते हैं, और प्रेजेंट क्या होता है कि हम अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन करने के बाद जो भी उसकी रिपोर्ट्स होती हैं उसको किस तरह प्रेजेंट किया जाता है मैनेजमेंट को या और अकाउंटिंग यूजर को। चलिए तो आगे चलते हैं। इसमें जो है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, द फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, आज जो हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट देखेंगे वो ये हैं कि इसमें सबसे पहले जो है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है कि एंटिटी मीन्स होता है एक अलग शनाख्त, इसमें हम देखते हैं आगे इसका मतलब क्या होता है। अकाउंट्स आर केप्ट फॉर एंटिटीज, यानी कि अकाउंट जितने भी हम बनाए जाते हैं वो एंटिटीज के लिए बनाए जाते हैं, जो भी बिजनेस एंटिटी होती है, एज डिस्टिंग्विश फ्रॉम दी पर्सन्स और ओनर, यानी कि जो भी कंपनी का ऑनर होता है उसको इससे उसकी जो जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है उसकी पर्सनल यूज की उसको इससे जो है अलग रखा जाता है। हु आर एसोसिएटेड विद देयर एंटिटीज, फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ पर्सन इन्वेस्ट रुपीज 500,000, अगर कोई
शख्स जो है वो इन्वेस्ट करता है बिजनेस में 5 लाख रुपए, इट विल डीम्ड दैट द ओनर हैज गिवन दैट मनी टू द बिजनेस। इसका मतलब ये होता है कि ओनर ने जो है वो पैसे जो हैं वो अपने बिजनेस में दिए हैं, विच विल बी शोन एज अ लाइबिलिटी, जो कि लाइबिलिटी की सूरत में हम उसमें जो है दिखाते हैं अपने अकाउंट्स में, इन दी बुक्स ऑफ द बिजनेस, इनके बिजनेस की जितनी भी बुक्स होती हैं उसमें एज अ लाइबिलिटी उसको हम शो करते हैं। इन केस द ऑनर विदड्रॉज ₹30,000, अगर कोई भी ऑनर जो होता है वो ₹30,000 विड्रॉ कराता है बिजनेस में से, फ्रॉम द बिजनेस, इट विल चेंज द पोजिशन एंड दैट द नेट अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस टू द ओनर विल बी शोन ओनली ₹170,000। यानी कि अगर 30,000 उसने जितने इन्वेस्ट किए थे, 5 लाख रुपए, अब 5 लाख रुपए में से उसने जो है 30,000 जो है वो उसने अपने विड्रॉ करा लिए, और उसमें से जितने भी अमाउंट बचती है, यहाँ पे 170 लिखा है, वैसे होगा ये 470,000, 470,000 इसको जो है हमें जो है बिजनेस में एज अ लाइबिलिटी बैलेंस शो करेंगे। द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट इंजरी इज एप्लीकेबल टू ऑल फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये कॉन्सेप्ट जो है सेपरेट एंटिटी का, ये ऑल फॉर्म्स ऑफ, ये एप्लीकेबल होता है ऑल फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमने अपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कि फॉर्म कितनी होती है, तीन टाइप की होती हैं, एक होती है सिंगल प्रोप्राइटरशिप यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप, और एक होती है पार्टनरशिप, और एक होती है जॉइंट स्टॉक कंपनी। इन तीनों फॉर्म्स में जो है ये कॉन्सेप्ट जो है यूज किया जाता है। इसके बाद हम यानी कि ये सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट से हमें क्या मतलब निकाला है कि जो भी बिजनेस की ट्रांजैक्शन होती है, बिजनेस से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन होती है, हम सिर्फ उसी को ही इसमें शो करते हैं, और उसकी जो पर्सनल ट्रांजैक्शन होती है ओनर्स की वो उसको हम एज अ सेपरेट उसको रिकॉर्ड करते हैं, वो बिजनेस की ट्रांजैक्शन का हिस्सा नहीं होती। इसके बाद हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, वो क्या है, जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। इसमें हम देखते हैं कि क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट इट इज अज्यूम दैट एन एंटिटी इज गोइंग कंसर्न दैट इट विल कंटिन्यू टू ऑपरेट फॉर एन इनडेफिनेट टाइम पीरियड। इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक हम ये अज्यूम करते हैं कि कोई भी कंपनी होती है या एक एंटिटी होती है, बिजनेस एंटिटी, वो जो अपना बिजनेस स्टार्ट करती है वो इस इरादे से शुरू करती है कि वो एक लंबे अरसे के लिए बिजनेस करे, यानी कि कंटिन्यू टू ऑपरेट फॉर एन इनडेफिनेट टाइम पीरियड। इनडेफिनेट टाइम पीरियड का मतलब होता है कि लंबे अरसे के लिए वो बिजनेस शुरू करे। देयर इज नो इंटेंशन टू लिक्विडेट द पार्टिकुलर बिजनेस, और उसकी ये कोई इंटेंशन नहीं होनी चाहिए कि उसे अपना बिजनेस जो है वो लिक्विडेट करना है या ख़त्म करना है इन दी फॉरसीएबल फ्यूचर, यानी कि आगे आने वाले फ्यूचर में। On account of this concept, the accountant, while valuing the asset, does not take into account the sale value of asset. इस concept के मुताबिक accountant जो है वो क्या करता है, जब assets की जो value valuation निकाल रहा होता है, उसको उसकी जो सेल वैल्यू होती है उसको जो है अकाउंट में नहीं लेता है वो। इसको हम एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। सपोज दैट अ कंपनी हैज जस्ट परचेज अ मशीनरी, मिसाल के तौर पर एक कंपनी ने जो है एक मशीनरी परचेज की है 5 लाख रुपए की। इफ वी अज्यूम दैट द बिजनेस विल कंटिन्यू इन ऑपरेशन फॉर 4 ईयर्स और मोर, अब हम ये अज्यूम करते हैं कि जो बिजनेस वो स्टार्ट हुआ है, जिसके लिए मशीनरी खरीदी है, विल कंटिन्यू इन ऑपरेशन फॉर 4 ईयर्स और मोर, वो या तो कंटिन्यू करेगा 4 साल के लिए या इससे ज्यादा के लिए। We will consider the 500,000 cost of machinery as an asset. अब हम उस एसेट की जो कॉस्ट है 5 लाख रुपए, उसको हम एज एन एसेट जो है वो अपने अकाउंट्स बुक में रखेंगे। आगे हम एक और इसको इस तरह डिफाइन कर लेते हैं मजीद कि किस तरह रिकॉर्ड किया जाता है एसेट में। जैसे मशीनरी खरीदी थी 5 लाख रुपए की, लेकिन कितने साल के लिए खरीदी थी वो, 4 साल के लिए। अब 1 साल का उसका खर्चा कितना आ गया मशीनरी का, 1,25,000, जिसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है, यानी कि जितना की जितने अमाउंट की भी या जितने 1 साल की जो अमाउंट है उसकी, वो हमने निकालने के बाद जो भी निकलती है, 1,25,000 यहाँ पर निकली है, उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं।
और वो हमारा जो रिकॉर्ड होगा डेप्रिसिएशन का, वो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, और उसके बाद जो भी अमाउंट बची होगी डेप्रिसिएशन निकालने के बाद 3,75,000 मिसाल के तौर पर, तो एज एन एसेट जो है बैलेंस शीट में रिकॉर्ड की जाएगी। अब हम एक मिसाल और देख लेते हैं कि वो कंपनी जो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के मुताबिक काम नहीं करती है, करती यानी कि वो जो अपना बिजनेस ज्यादा अरसे के लिए या जो भी उसका प्रोजेक्ट होता है वो नहीं करती, दे विल नॉट ट्रीट इट एज एन एसेट, यानी कि वो मशीनरी जो भी परचेज करेगी वो एज एन एसेट उसको ट्रीट नहीं करेंगी, बल्कि वो उसकी जो अमाउंट है वो एज एक्सपेंस जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड करेगी। किस तरह रिकॉर्ड करेगी वो हम ये देख लेते हैं। तो यानी कि ईयर एंड पे जब वो बैलेंस शीट बना रहे होंगे या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो उसकी जो है मार्केट वैल्यू उसको चेक करेंगे, यानी कि मार्केट वैल्यू क्या होती है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, यानी कि वो वैल्यू जिस पे वो सेल हो सकती है। अगर वो रियलाइजेबल वैल्यू 4,50,000 है एट द ईयर एंड, तो वो 4,50,000 जो है वो एज एन एक्सपेंस जो है प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड किए जाएंगे, और बाकी जो 50,000 है यानी कि 5 लाख की मशीन थी तो उसकी मार्केट वैल्यू 4,50,000 बची, यानी कि कंपनी को जो है इस सूरत में 50,000 का लॉस हुआ, और वो लॉस जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करेगी। तो आज हमने अभी देखा कि हमने दो कॉन्सेप्ट देखे यहाँ पर, एक कॉन्सेप्ट देखा हमने सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, और एक देखा हमने गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। तो आज जो हमारी लेक्चर है वो यहीं पर एंड होता है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।